आइए भक्तों, आज सुनते हैं देव उठानी एकादशी की तीन कथाएं। जानिए पूजन विधि श्री हरि को कैसे जगाए। तो एक बार बोलिए प्रेम से विष्णु भगवान की जय, लक्ष्मी माता की जय, देव उठानी एकादशी माता की जय। कार्तिक माह के शुक्ल पक्ष की एकादशी को देव उठानी एकादशी, देव उठान एकादशी, देव उठनी ग्यारस, प्रबोधनी एकादशी आदि नामों से जाना जाता है। इस दिन श्री हरि विष्णु निद्रा से जागते हैं। तो आइए जानते हैं देव उठानी एकादशी की कथा। एक राजा के राज्य में सभी लोग एकादशी व्रत रखते थे। प्रजा तथा नौकर चाकर से लेकर पशुओं तक को एकादशी के दिन अन्न नहीं दिया जाता था। एक दिन किसी दूसरे राज्य का एक व्यक्ति राजा के पास आकर बोला, महाराज कृपा करके मुझे नौकरी पर रख ले। तब राजा ने उसने सामने एक शर्त रखी कि ठीक है, रख लेते हैं, किंतु रोज तो तुम्हें खाने को सब कुछ मिलेगा, पर एकादशी को अन्न नहीं मिलेगा। उस व्यक्ति ने उस समय हाँ कर ली, पर एकादशी के दिन जब उसे फलाहार का सामान दिया गया तो वह राजा के सामने जाकर गिड़गिड़ाने लगा, महाराज इससे मेरा पेट नहीं भरेगा, मैं भूखा ही मर जाऊंगा, मुझे अन्न दे दो। राजा ने उसे शर्त की बात याद दिलाई, पर वह अन्न छोड़ने को राजी नहीं हुआ। तब राजा ने उसे आटा दाल चावल आदि दिए। वह नित्य की तरह नदी पर पहुंचा और स्नान कर भोजन पकाने लगा। जब भोजन बना गया तो वह भगवान को बुलाने लगा, आओ भगवान भोजन तैयार है। उसके बुलाने पर पीताम्बर धारण किए भगवान चतुर्भुज रूप में आ पहुँचे तथा प्रेम से उसके साथ भोजन करने लगे। भोज नादि करके भगवान अंत ध्यान हो गए, वह अपने काम पर चला गया। 15 दिन बाद अगली एकादशी को वह राजा से कहने लगा कि महाराज मुझे दुगना सामान दीजिए, उस दिन तो मैं भूखा ही रह गया। राजा के कारण पूछा तो उसने बताया कि हमारे साथ भगवान भी खाते हैं, इसीलिए हम दोनों के लिए ये सामान पूरा नहीं होता। यह सुनकर राजा को बड़ा आश्चर्य हुआ। वह बोला, मैं नहीं मान सकता है कि भगवान तुम्हारे साथ खाते हैं, मैं तो इतना व्रत रखता हूँ, पूजा करता हूँ, पर भगवान मुझे कभी दर्शन नहीं दिए। राजा की बात सुनकर वह बोला, महाराज यदि विश्वास न हो तो साथ चलकर देख लें। राजा एक पेड़ के पीछे छिपकर बैठ गया। उस व्यक्ति ने भोजन बनाया तथा भगवान को शाम तक पुकारता रहा, परंतु भगवान न आए। अंत में उसने कहा, हे भगवान यदि आप नहीं आए तो मैं नदी में कूदकर प्राण त्याग दूंगा, लेकिन भगवान नहीं आए। तब वह प्राण त्यागने के उद्देश्य से नदी की तरफ बढ़ा। प्राण त्यागने का उसका हृदय इरादा जान शीघ्र ही भगवान ने प्रकट होकर उसे रोक लिया और साथ बैठकर भोजन करने लगे। खा पीकर वे उसे अपने विमान में बिठाकर अपने धाम ले गए। यह देख राजा ने सोचा कि व्रत उपवास से तब तक कोई फायदा नहीं होता जब तक मन शुद्ध न हो। इससे राजा को ज्ञान मिला, वह भी मन से व्रत उपवास करने लगा और अंत में स्वर्ग को प्राप्त हुआ। तो एक बार बोलिए प्रेम से लक्ष्मी नारायण भगवान की जय। देव उठानी एकादशी की दूसरी कथा। एक राजा था, उसके राज्य में प्रजा सुखी थी। एकादशी को कोई भी अन्न नहीं बेचता था, सभी फलाहार करते थे। एक बार भगवान ने राजा की परीक्षा लेना चाही। भगवान ने एक सुंदरी का रूप धारण किया तथा सड़क पर बैठ गए। सभी राजा इधर उधर से निकला और सुंदरी को देख चकित हो गया। उसने पूछा, हे सुंदरी तुम कौन हो और इस तरह यहाँ क्यों बैठी हो? तब सुंदरी स्त्री बने भगवान बोले, मैं निराशिता हूँ, नगर में मेरा कोई जाना पहचाना नहीं है, किससे सहायता मांगू? राजा उसके रूप पर मोहित हो गया।
वह बोला, तुम मेरे महल में चलकर मेरी रानी बनकर रहो। सुंदरी बोली, मैं तुम्हारी बात मानूंगी, पर तुम्हें राज्य का अधिकार मुझे सौंपना होगा। राज्य पर मेरा पूर्ण अधिकार होगा, मैं जो भी बनाऊंगी तुम्हें खाना होगा। राजा उसके रूप पर मोहित था, अतः उसने उसकी सभी शर्त स्वीकार कर ली। अगले दिन एकादशी थी। रानी ने हुक्म दिया कि बाजारों में अन्य दिनों की तरह अन्न बेचा जाए। उसने घर में मांस मछली आदि पकवाए तथा परोसकर राजा के खाने के लिए कहा। यह देखकर राजा बोला, रानी आज एकादशी है, मैं तो केवल फलहार ही करूँगा। तब रानी ने शर्त की याद दिलाई और बोली, या तो खाना खाओ, नहीं तो मैं बड़े राजकुमार का सिर काट लूंगी। राजा ने अपनी स्थिति बड़ी रानी से कही तो बड़ी रानी बोली, महाराज धर्म न छोड़े बड़े राजकुमार का सिर दे दे, पुत्र तो फिर मिल जाएगा पर धर्म नहीं मिलेगा। इस दौरान बड़ा राजकुमार खेल कर आ गया। माँ की आंखों से आंसू देखकर वह रोने लगा, कारण पूछने लगा तो माँ ने उसे सारी वस्तु स्थिति बता दी। तब वह बोला, मैं सिर देने के लिए तैयार हूँ, पिताजी के धन की रक्षा होगी, जरूर होगी। राजा दुखी मन से राजकुमार का सिर देने को तैयार हुआ तो रानी के रूप से भगवान विष्णु ने प्रकट होकर असली बात बताई, राजन तुम इस कठिन परीक्षा से पास हुए। भगवान ने प्रसन्न मन से राजा से वर मांगने को कहा तो राजा बोला, आपका दिया सब कुछ है, हमारा उद्धार करें। उसी समय वहां एक विमान उतरा, राजा अपना राज्य पुत्र को सौंप दिया और विमान में बैठकर परम धाम को चला गया। देव उठानी एकादशी की तीसरी प्रमुख कथा शंखाचूर नामक राक्षस की है। शंखाचूर के तीनों लोक में बहुत ही उत्पात मचाया हुआ था। तब सभी देवताओं ने आग्रह करने पर भगवान विष्णु ने उसे राक्षस से युद्ध किया और यह युद्ध कई वर्षों तक चला। युद्ध में वह असुर मारा गया और इसके बाद भगवान विष्णु विश्राम करने चले गए। कार्तिक शुक्ल पक्ष एकादशी के दिन भगवान विष्णु की निद्रा टूटी थी और सभी देवताओं ने भगवान विष्णु की पूजा की थी। श्री महापुराण के अनुसार पौराणिक समय में दैत्य का राजा दंभ हुआ करता था। वह बहुत बड़ा विष्णु भक्त था। कई सालों तक उसके यहाँ संतान नहीं होने के कारण उसने शुक्राचार्य को अपना गुरु बनाकर उनसे श्री कृष्ण मंत्र प्राप्त किया। यह मंत्र प्राप्त करके उसने पुष्कर सरोवर को में घोर तपस्या की। भगवान विष्णु उसकी तपस्या से प्रसन्न हुए और उसे संतान प्राप्ति का वरदान दे दिया। भगवान विष्णु के वरदान से राजा दंभ के यहाँ एक पुत्र ने जन्म लिया। इस पुत्र का नाम शंखचूर रखा गया। बड़ा होकर शंखचूर ने ब्रह्मा जी को प्रसन्न करने के लिए पुष्कर में घोर तपस्या की। उसकी तपस्या से प्रसन्न होकर ब्रह्मा जी ने उसे वरदान मांगने को कहा। तब शंखचूर ने वरदान मांगा कि वह हमेशा अजर अमर रहे, वह कोई भी देवता उसे नहीं मार पाए। ब्रह्मा जी ने उसे यह वरदान दे दिया और कहा कि यह बद्री वन जाकर धर्म ध्वजे की पुत्री तुलसी जो तपस्या कर रही है उससे विवाह कर ले। शंखचूर ने वैसा ही किया और तुलसी के साथ विवाह के बाद सुख पूर्वक रहने लगा। उसने अपने बल से देवताओं, असुरों, दानवों, राक्षसों, गंधर्वों, नागों, किन्नरों, मनुष्यों तथा त्रिलोकी के सभी प्राणियों पर विजय प्राप्त कर ली। तब भगवान श्री कृष्ण का परम भक्त था शंखचूर अत्याचारों से सभी देवता परेशान होकर ब्रह्मा जी के पास गए और ब्रह्मा जी उन्हें भगवान विष्णु के पास ले गए। भगवान विष्णु ने कहा कि शंखचूर की मृत्यु भगवान शिव के त्रिशूल से ही होगी, अतः आप उनके पास जाए। भगवान शिव ने चित्ररथ नामक गण को अपना दूत बनाकर शंखचूर के पास भेजा। चित्ररथ ने शंखचूर को समझाया कि वह देवताओं को उनका राज्य लौटा दे, परंतु शंखचूर ने मान। भगवान शिव को जब यह बात पता चली तो
वे युद्ध के लिए अपनी सेना लेकर निकल पड़े। इस तरह देवता और दानवों में घमासान युद्ध हुआ, परंतु ब्रह्मा जी के वरदान के कारण शंखचूर को देवता नहीं हरा पाए। भगवान शिव ने शंखचूर की वध करने के लिए जैसे ही अपना त्रिशूल उठाया, तभी आकाशवाणी हुई कि जब तक शंखचूर के हाथों में श्री हरि का कवच है और उसकी पत्नी की सावित्री अखंडित है, तब तक इसका वध असंभव है। आकाशवाणी सुनकर भगवान विष्णु युद्ध में ब्रह्मा जी का रूप धारण कर शंखचूर के पास गए और उसे श्री हरि कवच में दान में मांग लिया। शंखचूर ने वह कवच बिना किसी संकोच का दान कर दिया। इसके बाद भगवान विष्णु शंखचूर का रूप बनाकर तुलसी के पास गए। शंखचूर रूपी भगवान विष्णु ने तुलसी के महल के द्वार पर जाकर अपनी विजय होने की सूचना दी। यह सुनकर तुलसी बहुत प्रसन्न हुई और प्रतिरूप में आए भगवान का पूजन किया व रमन किया। ऐसा करते ही तुलसी का सात्त्व खंडित हो गया और भगवान शिव ने युद्ध में अपने त्रिशूल से शंखचूर का वध कर दिया। तब तुलसी जी को पता चला कि वे उनके पति नहीं है, बल्कि वे तो भगवान विष्णु है। क्रोध में आकर तुलसी ने कहा कि आपने छल पूर्वक मेरा धर्म भ्रष्ट किया है और मेरे पति को मार डाला, अतः मैं आपको श्राप देती हूँ कि पाषाण होकर धरती पर रहे। तब भगवान विष्णु ने कहा, देवी तुम मेरे लिए भारतवर्ष में रहकर बहुत दिनों तक तपस्या कर चुकी हो, तुम्हारा यह शरीर नदी रूप में बदलकर गंडकी नामक नदी के रूप में प्रसिद्ध होगा। तुम पुष्पों में श्रेष्ठ तुलसी का वृक्ष बन जाओगी और सदा मेरे साथ रहोगी। तुम्हारे श्राप को सत्य करने के लिए मैं पाषाण शालिग्राम बनकर रहूंगा, गंडकी नदी के तट पर मेरा वास होगा। देव प्रबोधिनी एकादशी के दिन भगवान शालिग्राम व तुलसी का विवाह संपन्न कर मांगलिक कार्यों का प्रारंभ किया जाता है। हिंदू धर्म मान्यताओं के अनुसार इस दिन तुलसी शालिग्राम विवाह करने से अपार पुण्य प्राप्त होती है। तो एक बार बोलिए प्रेम से विष्णु भगवान की जय, लक्ष्मी माता की जय, देवउठानी एकादशी माता की जय। आइए भक्तों, आज सुनते हैं देवउठानी एकादशी 2024। सोए हुए भगवान विष्णु को देवउठानी एकादशी पर कैसे जगाए जाने सही विधि। तो एक बार बोलिए प्रेम से विष्णु भगवान की जय, लक्ष्मी माता की जय। हिंदू धर्म में देवउठानी एकादशी का बेहद महत्व है। इस दिन से न केवल चतुर्मास खत्म होता है, बल्कि इसके साथ ही देश भर में शुभ और मांगलिक कार्य शुरू हो जाते हैं। धार्मिक ग्रंथों की मान्यता के अनुसार देवउठानी एकादशी के दिन ही 4 महीने के बाद भगवान विष्णु योग निंद्रा से जागते हैं और सृष्टि का कार्य भार फिर से संभालते हैं। देवउठानी एकादशी के दिन जगत के पालनहार भगवान विष्णु और माता लक्ष्मी की पूरे विधि विधान से खास पूजा अर्चना की जाती है, लेकिन इससे पहले उन्हें शाम के समय विशेष पूजन विधि द्वारा भगवान विष्णु को जगाया जाता है। आइए जानते हैं इस साल देवउठानी एकादशी कब है और इस शुभ मौके पर भगवान विष्णु को प्रसन्न करने की सही विधि क्या है। देवउठानी एकादशी 2024 कब है? भगवान विष्णु को समर्पित देवउठानी एकादशी पर्व हर साल कार्तिक मास के शुक्ल पक्ष की एकादशी तिथि को मनाया जाता है। वैदिक पंचांग के अनुसार इस साल कार्तिक माह की शुक्ल पक्ष की एकादशी तिथि का आरंभ 11 नवंबर को शाम 6:46 से हो रहा है।
जिसका समापन अगले दिन 12 नवंबर को दोपहर 4:04 पर होगा। उदया तिथि के आधार पर इस साल देव उठानी एकादशी का व्रत 12 नवंबर 2024 को रखा जाएगा। देव उठानी एकादशी का पर्व और भी अधिक खास है, इसीलिए है कि इसके अगले दिन 13 नवंबर को तुलसी विवाह का पर्व मनाया जाएगा। एकादशी तिथि का आरंभ 11 नवंबर 2024 को शाम 6:46 पर है। एकादशी तिथि का समापन 12 नवंबर 2024 को दोपहर बाद 4:04 पर है। देव उठानी एकादशी का व्रत 12 नवंबर 2024 को है। तुलसी विवाह 13 नवंबर 2024 को है। देव उठानी एकादशी भगवान विष्णु को ऐसे जगा देव उठानी एकादशी पर यानी 12 नवंबर को प्रदोष काल में शुभ मुहूर्त को ध्यान में रखकर भगवान विष्णु की पूजा की जाती है और उसके बाद भगवान विष्णु को योग निद्रा से जगाया जाता है। सबसे पहले भगवान विष्णु को जागने के लिए घर के आंगन में पीसे हुए चावल का घोल और चंदन से रोली अर्पण बनाए। इसके बाद उस पर पत्ते वाले 4 गहने से मंडप बनाए। इस मंडप में भगवान विष्णु के शालिग्राम रूप की पूजा करें। पूजन के क्रम में शालिग्राम को नए वस्त्र और नया जनेऊ अर्पित करें। इसके बाद इस मंत्र का भगवान विष्णु आवाहन करें, उन्हें जगाएं। इसके बाद इस समय माता लक्ष्मी सहित देवी देवताओं के नियमित 11 दीपक जलाएं और सभी देवी देवता की वंदना करें। एकादशी माता की आरती। ओम जय एकादशी जय एकादशी जय एकादशी माता, विष्णु पूजा व्रत को धारण कर शक्ति मुक्ति पाता। ओम जय एकादशी जय एकादशी जय एकादशी माता, तेरे नाम गिनाऊ देवी भक्ति प्रदान करनी, गण गौरव की देनी माता शास्त्रों में बरनी। तेरे नाम गिनाऊ देवी भक्ति प्रदान करनी, गण गौरव की देनी माता शास्त्रों में वर्णी। ओम जय एकादशी जय एकादशी माता, मार्ग शीर्ष के कृष्ण पक्ष की उत्पन्ना विश्व तारिणी जन्मी, शुक्ल पक्ष में होए मोक्ष दा मुकदाता बन आई। मार्ग शीर्ष के कृष्ण पक्ष की उत्पन्ना विश्व तारिणी जन्मी, शुक्ल पक्ष में होए मोक्ष दा मुकदाता बन आई। ओम जय एकादशी एकादशी माता, पौष के कृष्ण पक्ष की सफला नामक है, शुक्ल पक्ष में होए पुत्र दा आनंद अधिक रहे। पौष के कृष्ण पक्ष की सफला नामक है, शुक्ल पक्ष में होए पुत्र दा आनंद अधिक रहे। ओम जय एकादशी जय एकादशी माता, नाम षट तिला माघ मास में कृष्ण पक्ष आवे, शुक्ल पक्ष में जया कहावे विजय सदा पावे। नाम षट तिला माघ मास में कृष्ण पक्ष आवे, शुक्ल पक्ष में जया कहावे विजय सदा पावे। ओम जय एकादशी जय एकादशी माता, विजया फाल्गुन कृष्ण पक्ष में शुक्ला आम्ल की, पाप मोचनी कृष्ण पक्ष में चैत्र महाबली की। विजया फाल्गुन कृष्ण पक्ष में शुक्ला आम्ल की, पाप मोचनी कृष्ण पक्ष में चैत्र महाबली की। ओम जय एकादशी जय एकादशी माता, चैत्र शुक्ल में नाम काम दा धन देने वाली, नाम बरुथनी कृष्ण पक्ष में बैशाख माह वाली। चैत्र शुक्ल में नाम काम दा धन देने वाली, नाम बरुथनी कृष्ण पक्ष में बैशाख माह वाली।
ओम जय एकादशी जय एकादशी जय एकादशी माता। शुक्ल पक्ष में होए मोहिनी अपरा ज्येष्ठ कृष्ण पक्षी, नाम निर्जला सब सुख करनी शुक्ल पक्ष रखी। शुक्ल पक्ष में होए मोहिनी अपरा ज्येष्ठ कृष्ण पक्षी, नाम निर्जला सब सुख करनी शुक्ल पक्ष रखी। ओम जय एकादशी जय एकादशी जय एकादशी माता। योगिनी नाम आषाढ़ मास में जाने कृष्ण पक्ष करनी, देव सयनी नाम कहावे शुक्ल पक्ष धरनी। योगिनी नाम आषाढ़ मास में जाने कृष्ण पक्ष करनी, देव सयनी नाम कहावे शुक्ल पक्ष धरनी। ओम जय एकादशी जय एकादशी जय एकादशी माता। कामिका सावन मास में आवे कृष्ण पक्ष कहिए, सावन शुक्ला होए पवित्रता आनंद से रहिए। कामिका सावन मास में आवे कृष्ण पक्ष कहिए, सावन शुक्ला होए पवित्रता आनंद से रहिए। ओम जय एकादशी जय एकादशी जय एकादशी माता। आजा भाद्रपद कृष्ण पक्ष की परवर्तिनी शुक्ला, इंद्रा आसिन कृष्ण पक्ष में व्रत से भव सागर निकला। आजा भाद्रपद कृष्ण पक्ष की परवर्तिनी शुक्ला, इंद्रा आसिन कृष्ण पक्ष में व्रत से भव सागर निकला। ओम जय एकादशी जय एकादशी जय एकादशी माता। पाप कुसाहे शुक्ल पक्ष में आपे हरन हारी, रमा मास कार्तिक में आवे सुखदायक भारी। पाप कुसाहे शुक्ल पक्ष में आपे हरन हारी, रमा मास कार्तिक में आवे सुखदायक भारी। ओम जय एकादशी जय एकादशी जय एकादशी माता। देवी उठानी शुक्ल पक्ष की दुख नाशक मैया, पावन मास में करू विनती पार करो नैया। देवी उठानी शुक्ल पक्ष की दुख नाशक मैया, पावन मास में करू विनती पार करो नैया। ओम जय एकादशी जय एकादशी जय एकादशी माता। परमा कृष्ण पक्ष में होती जन मंगल करनी, शुक्ल मास में होए परवर्तिनी दुख दरिद्र हरनी। परमा कृष्ण पक्ष में होती जन मंगल करनी, शुक्ल मास में होए परवर्तिनी दुख दरिद्र हरनी। ओम जय एकादशी जय एकादशी जय एकादशी माता। जो कोई आरती एकादशी की भक्ति सहित गावे, जन गुरिदा स्वर का वास निश्चय वह पावे। जो कोई आरती एकादशी की भक्ति सहित गावे, जन गुरिदा स्वर का वास निश्चय वह पावे। ओम जय एकादशी जय एकादशी जय एकादशी माता। विष्णु पूजा व्रत को धारण कर शक्ति मुक्ति पाता, शक्ति मुक्ति पाता। तो एक बार बोलिए प्रेम एकादशी माता की जय, विष्णु भगवान की जय, लक्ष्मी माता की जय।